मेरे एक व्यूवर ने पूछा है कि ऑफ गोइंग और ऑन गोइंग क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि जहां तक मेरा नॉलेज है, ऑफ गोइंग ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, यानी ऑन गोइंग होता है, आउट गोइंग भी होता है, लेकिन ऑफ गोइंग ऐसा कोई वर्ड नहीं होता जहां तक मैं जानता हूं। तो आइए फ्रेंड देखें कि ऑन गोइंग क्या है और आउट गोइंग क्या है, यानी कब आप बोलेंगे ऑन गोइंग और कब आप बोलेंगे आउट गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब होता है कोई काम अभी भी चल रहा है, यानी कोई काम अभी प्रोग्रेस में है या अभी कंटिन्यू है। जैसे मेरी पढ़ाई अभी भी चल रही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई लर्निंग इज स्टिल ऑन गोइंग, यानी मेरी पढ़ाई अभी भी चल रही है। अगर आपको कहना हो कि उसका इलाज अभी भी चल रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज ट्रीटमेंट इज स्टिल ऑन गोइंग, यानी उसका इलाज अभी भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ऑन गोइंग का मतलब किसी काम का चलना या किसी काम का जारी रहना। अगर हम बात आउट गोइंग की करें तो आउट गोइंग का मतलब होता है जाने वाली। जैसे अगर आपको कहना हो जाने वाली पार्सल के साथ क्या आप इसको जोड़ देंगे, या जाने वाली पार्सल के साथ क्या आप इसे ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कैन यू ऐड दिस टू आउट गोइंग पार्सल, यानी जाने वाली पार्सल के साथ क्या आप इसको ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे। अगर आपको कहना हो कि जाने वाली मैसेज के साथ अपना एक पिक्चर अटैच कर देना, यानी जोड़ देना, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अटैच अ पिक्चर ऑफ यू टू आउट गोइंग मैसेज, यानी जाने वाली मैसेज के साथ अपनी एक तस्वीर अटैच कर देना या जोड़ देना। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि आउटगोइंग का मतलब होता है जाने वाली, जबकि ऑनगोइंग का मतलब होता है किसी काम का जारी रहना, यानी किसी काम का कंटिन्यू रहना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इन दोनों वर्ड्स को शानदार तरीके से सीखा। अगर वाकई आपने समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।